देश को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। कल देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में विश्व भर के विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर रहे थे। विदेश के बड़े बड़े नेता, राष्ट्र अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग की तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे कैसे नरेंद्र मोदी जी आज भारत ही नहीं विश्व को राह दिखा रहे हैं। उनके प्रयास से हो रहे कश्मीर के सामान्य हालत को ऐसे मौके पर राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये उनकी देश विरोधी मानसिकता को दिखाता है। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करिए, सरकार की नीतियों का विरोध करिए, मगर नरेंद्र मोदी की नीति का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे, देश के सुरक्षा बलों का विरोध करने लगे, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता से यह उम्मीद तो की ही जाती है। आज कश्मीर में इतिहास में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। सामान्य होते डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल करने के लिए कुछ लोग उग्रवाद का सहारा ले रहे हैं, जिसको सैन्य बल और सुरक्षा बल तत्काल इलिमिनेट कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके भारत को नीचा दिखाने, भारत के सुरक्षा बलों को नीचा दिखाना और वो अपनी राजनीति करने के लिए, ये उनकी राजनीति को आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था, भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए दिया गया घटिया बयान।